नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि खालिस्तानियों ने हाल ही में एक नया मैप जारी किया है। उस नए मैप के अंदर राजस्थान के 11 जिले खालिस्तानी क्षेत्र के अंदर दिखाए हैं। आज हम लोग पूरा कच्चा चिट्ठा जो है वो खोलने वाले हैं कि आखिरकार खालिस्तानियों का ये जो ग्रुप है वो किस तरीके से एक्टिवेट होता है, राजस्थान के अंदर कहां कहां ये एक्टिव था और 1992 के अंदर कौन कौन से ऐसे आतंकवादी थे खालिस्तानी जिनको जयपुर से जो है अरेस्ट किया गया था। यही नहीं, हम लोग लेक्चर में कवर करेंगे कि हरदीप सिंह निज्जर कौन था, किस तरीके से वो प्लम्बर का काम करते हुए पहुंच गया था कनाडा के अंदर और फिर गुरपतवंत सिंह पन्नू के साथ जाकर मिलता है, और तमाम कहानी जो है आज हम लोग बयां करने वाले हैं। आप लोग लेक्चर में अंतिम तक बने रहना, बहुत सारी नॉलेज जो है वो आप लोगों को मिलने वाली। लेकिन सबसे पहले न्यूज ये है कि राजस्थान के 11 जिले जो है वो खालिस्तानी नक्शे के अंदर जो है शामिल किए गए हैं। आखिरकार प्रदेश को इससे क्या खतरा है, सबसे पहले हम लोग उसी पे बढ़ लेते हैं। यहां पर ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है गुरपतवंत सिंह पन्नू। इसने कहा था कि कनाडा के अंदर जितने भी हिंदू हैं वो यहां से चले जाएं, मतलब बात कोई मानने वाला है नहीं इसकी। यहां पर एक मैप आपको दिखाई दे रहा है, बड़ा धुंधला है, अभी साफ मैप में दिखाता हूं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि नक्शे में पंजाब से सटे श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलौदी, जोधपुर, अलवर, खैरथल, भरतपुर, डीग, बूंदी और कोटा, दो जिले ऐसे हैं बूंदी और कोटा जो कि उनकी सीमा पर भी नहीं है, फिर भी इनको जो है वो यहां पर मैप में शो किया गया है। कारण क्या है, लेकिन उससे पहले हम लोग आगे बढ़े। आप सबसे पहले मैप देखिए, यहां पर राजस्थान के इस मैप में 11 जिले जो है वो खालिस्तान ग्रुप के अंदर बताए गए हैं। यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है सिख फॉर जस्टिस। गुरपतवंत सिंह पन्नू जिस एजेंसी को चलाता है उसका नाम है सिख फॉर जस्टिस, और बाद में फिर इसको हरदीप सिंह निज्जर जो है इसको ज्वाइन करता है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि राजस्थान के बीकानेर है, जोधपुर है, गंगानगर है, इसके साथ में ही हरियाणा के कुछ जो है वो जिले हैं, रेवाड़ी वगैरह हैं। यहां पर अलवर देख सकते हैं, भरतपुर है, बूंदी है, कोटा है। तो राजस्थान के 11 जिले जो है उन्होंने खालिस्तान के मैप के अंदर शो किए हैं। राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के साथ में यूपी है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, दिल्ली है, ऐसे तमाम जो क्षेत्र है उनको खालिस्तानियों ने अपने मैप के अंदर जो है वो शो किया है। ऐसे तो पाकिस्तान भी कई बार शो करता है, क्या वाकई में किसी मानचित्र पर दिखाने से वो चीज अपनी हो जाती है? अगर ऐसा हो तो कल को मैं मानचित्र बनाऊं और पाकिस्तान को अपने इसके अंदर दिखा दूं, क्या हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो केवल एक मैप को शो करने से कुछ भी नहीं होना जाना है। चलिए, तो मैप आप लोगों ने देखा। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि 1990-1992 के बीच पंजाब में खालिस्तानी आतंक चरम पर था। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने 15 फरवरी 1992 को एसपी एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन राजस्थान, जो कि कौन थे उस समय, बीएल सोनी थे, इन्होंने जो है वो पोस्ट बनाई थी। इसका ऑफिस श्रीगंगानगर के अंदर रखा गया था। उस समय हेड जो थे वो जयपुर की कमिश्नर रह चुके बीएल सोनी थे। उन्होंने कहा कि खालिस्तानियों के नक्शे में राजस्थान के जिले एक नए तरह का खतरा है, राजस्थान को इस विषय में गंभीरता से सुरक्षात्मक कदम जो है उठाने चाहिए। ठीक है, चलिए। वर्ष 1995 में राजस्थान में खालिस्तानी आतंकियों को जयपुर में पकड़ा भी गया था। उस समय इंदिरा गांधी के करीबी रह चुके केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के दिग्गज नेता थे राम निवास मिर्धा। तो राम निवास मिर्धा के बेटे राजेंद्र मिर्धा को खालिस्तानी आतंकियों ने फरवरी 1995 में किडनैप कर लिया था। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं राम निवास मिर्धा, ये फोटो मैंने यहां पर लगा दी है, उनके ही ये बेटे हैं, ये फोटो इनकी अवेलेबल है। और फरवरी 1995 में इनका किडनैप जो है वो कर लिया गया था। उन्होंने राजेंद्र मिर्धा को छोड़ने के बदले जनवरी 1995 में पकड़े गए खालिस्तानी समर्थक भुल्लर को छोड़ने की जो है वो मांग भी की थी। तो राजस्थान के अंदर ऑलरेडी जो है ये एक्टिविटीज हो चुकी हैं, अब वापस से जो है ये प्रदेश के अंदर खतरा बना हुआ है क्योंकि मैप इन्होंने जारी किया है। हरदीप सिंह निज्जर की हम लोग बात करेंगे। हरदीप सिंह निज्जर 1995 के अंदर कनाडा से पहुंचता है कहां पर, सॉरी इंडिया से पहुंचता है कहां पर, कनाडा के अंदर। क्यों पहुंचता है, क्योंकि ये आप लोग जो एक गाड़ी देख रहे हैं, एक कार देख रहे हैं, इसमें बॉम्ब ब्लास्ट होता है, और ये गाड़ी किसी और की नहीं, पंजाब के जो सीएम थे बेअंत सिंह, उनकी ये कार थी, इसमें ब्लास्ट किया गया था। उसके बाद हरदीप सिंह निज्जर जो है वो कनाडा पहुंचता है और कनाडा पहुंचकर ज्वाइन करता है सिख फॉर जस्टिस ग्रुप को, जो कि गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है इसको चला रहा था, इसको हैंडल कर रहा था। सबसे पहले हरदीप सिंह निज्जर जो है वो एक प्लम्बर का काम सीखकर कनाडा पहुंचता है, वहां पर जाकर शरण लेता है, अपनी कहानी जो है बयां करता है कि किस तरीके से भारत ने जो है मुझे परेशान किया है, ये पूरी मनगढ़ंत कहानी जो है वहां पर जाकर बताता है। फिर 1997 के अंदर वहां पर एक महिला से शादी करता है। वो महिला पहले से ही जो है वो किसी और के साथ में शादी करके उसने नागरिकता हासिल की थी,
अब जो है ये हरदीप सिंह निज्जर उसके साथ में शादी करके नागरिकता हासिल करना चाह रहा था, लेकिन वहां के कोर्ट ने इस चीज को, इस नागरिकता को देने से इनकार कर दिया। उसने दो तीन बार फिर से कोशिशें की, लेकिन नागरिकता जो है वो हरदीप सिंह निज्जर को नहीं दी गई थी। वर्तमान परिस्थिति ये है कि हरदीप सिंह निज्जर जो है उसकी हत्या कर दी गई थी 18 जून 2023 को। 18 जून 2023 को हत्या कर दी गई थी। जब वो गुरुद्वारे के बाहर निकल रहा था तो पार्किंग लॉट के अंदर दो व्यक्ति आए थे जिन्होंने गोलियां चलाकर हरदीप सिंह निज्जर जो है इसकी हत्या कर दी थी। तो जब ये 1997 के अंदर इसको नागरिकता नहीं मिलती है, उसके बाद में कई ये प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, लेकिन इसकी कोशिश कामयाब भी होती है और कुछ समय बाद जाकर पॉलिटिकली राजनीतिक दबाव के चलते इसको नागरिकता दे दी जाती है। हरदीप सिंह निज्जर जो है वो ज्वाइन करता है गुरपतवंत सिंह पन्नू को। आज वर्तमान में स्थिति यह है कि दोनों की संपत्तियां जो है सीज कर दी गई है इंडिया के अंदर। गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है इसकी संपत्ति चंडीगढ़ के अंदर थी और इसकी जलंधर में थी। दोनों की संपत्तियां जो है सीज कर दी गई है। हरदीप सिंह निज्जर जो है इसकी तो हत्या भी, मर्डर भी हो चुका है। अब भारत के ऊपर ये इल्जाम लग रहा है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या जो है वो भारत ने करवाई है। मान लीजिए करवाई भी है तो कौन क्या ही कर लेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, जब अमेरिका एबटाबाद में जाकर ओसामा बिन लादेन को मार सकता है तो हम कनाडा में जाकर इस हरदीप सिंह निज्जर को क्यों नहीं मार सकते हैं। लेकिन खैर ये आधार जो है वो बेबुनियाद है। जस्टिन ट्रूडो का जो भी कहना है वो केवल और केवल वो पॉलिटिकली अपनी कुर्सी बचाने के लिए तमाम बयान जो है वो दे रहे हैं। आई होप आप लोग को लेक्चर पसंद आया होगा। लेकिन राजस्थान के 11 जिले जो खालिस्तान के अंदर दिखाए गए हैं, ये केवल और केवल एक मानसिक कल्पना है, कल्पना, कोरी कल्पना है। कभी भी उनके मंसूबे जो है वो कामयाब नहीं हो पाएंगे, चाहे आप कितना भी मैप बनाकर उसको शो कर दीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आरएस बाबा चैनल को। ये चैनल आप लोगों का है, जरूर इसको प्यार दीजिएगा, प्रेम दीजिएगा, अपने मित्रगणों के साथ में इसको शेयर कीजिएगा। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।